सोलापूर शहर मध्ये एमआयएमचे उमेदवार फारूक शाबदी यांची बार असोसिएशनला सदिच्छा भेट। मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला त्यांचे मनोगत व्यक्त करा। सबसे पहले तो मैं फारूक शाबदी एमआयएम का उम्मीदवार अपने शहर मध्य से आपके सामने यहाँ पर आता हूँ। इलेक्शन का माहौल है, आज आखिरी दिन है, तो इस प्रचार के मौके पर आज मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ। ये इट्स माय ऑनर, आई फील प्रिविलेज टू बी हियर एंड मतलब आपके सामने कुछ बोलने का मौका मिला है मुझे, तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं आप जैसे सीनियर लोगों के सामने, इतने एजुकेटेड लोगों के सामने मैं अपनी कुछ बात रख सकूँ। तो बीइंग इन पॉलिटिकल एजेंडा जो है आज मुद्दा, आज मैं जो यहाँ पर आया हूँ वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सोलापुर शहर मध्य, ये सोलापुर सिटी का ओल्डेस्ट पार्ट है और यहाँ पर जो है आपको हर किस्म का वो दिखेगा। एज यू विल गेट टू सी रिच ऑल्सो, पुअर ऑल्सो, झोपड़पट्टी भी मिलेंगी, थोड़ी हाई राइजेस भी मिलेंगी। एंड वी आर वेरी लकी दैट यहाँ पर ही इन दिस एरिया हमें कोर्ट भी मिलेगा, हमें सीपी ऑफिस भी मिलेगी, हमें कलेक्टर ऑफिस भी मिलेगी, तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घर भी मिलेंगे। तो ये मैं बोलूँगा कि VIP एरिया है, तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट एलीट पार्ट ऑफ दिस सिटी, जहाँ पर इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स इन ऑल, एवरीथिंग अच्छी अच्छी है, महत्व की चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बट इतनी खूब चीज़ें होने के बावजूद जो डेवलपमेंट इस एरिया की होनी चाहिए थी, वो डेवलपमेंट मेरे हिसाब से, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप सबके हिसाब से, वो नहीं। तो उसी इशू के ऊपर, उसी मुद्दे के ऊपर वही एक जिम्मेदारी और एक बेड़ा था कि मैं कुछ करने के लिए आप लोगों के बीच में आया। सो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जैसे जज साहब वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसले का, अब जब आप लोग फाइट लेट वो होता है, केस वो होता है, डिसीजन लेने से पहले आप उनको कुछ भी बता, कुछ भी आर्ग्यूमेंट में कुछ भी बताए, कुछ भी बताए, इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू डोंट प्रूव इट, अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव द विटनेस। एम आई राइट और रॉन्ग सर? सो सोलापुर शहर मध्य में भी आप लोग जज हैं, मतदार इज फाइनल टॉन। आज क्या हो रहा है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, जज साहब मैं बेकसूर हूँ या मैं कसूरवार हूँ, बट उसको गिल्टी साबित करने के लिए ना कोई सबूत है ना गवाह है। जैसे आज विकास का मुद्दा हो रहा है हमारे शहर में, कि विकास के मुद्दे में इलेक्शन हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ बोलने से यू कैनॉट विन द केस ओनली बाई आर्ग्यूमेंट। इफ यू वॉन्ट टू विन द केस यू हैव टू प्रूव इट, जो कि इट इज़ इम्पॉसिबल। वाई इज़ इट इम्पॉसिबल? मैं उनका प्रतिद्वंदी हूँ या उनके अपोजिशन में हूँ, इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा। आप जब निकलेंगे यू कैन सी इट, यू कैन फील इट। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो जैसा फैसला करते हैं विथ ऑल द एविडेंसेस, आप लोग भी इस बार, आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ 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 एक बार, एक मरतबा कुछ मत देखिए, डोंट सी माई पार्टी, डोंट सी माई कास्ट, नथिंग। आई डिजर्व अ चांस, मैं ये खुद से बोलूँ, एक मौका मुझे चाहिए, प्लीज़ गिव मी वन चांस, ताकि मैं कुछ कोशिश कर सकूँ। आई एम नॉट सेइंग आई विल चेंज एवरीथिंग, आई विल से चेंज द सिस्टम या मैं ये करूँगा, बड़ी बड़ी घोषणाएँ नहीं करूँगा, बट आई विल फाइट वेरी हार्ड।
I give my 100%, I'll try my best in Shravan. So still here, I deserve a chance and I deserve your blessings also. So sir, ek moka dijiye sir. आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आप लोगों के सामने मैं मेरा केस आपकी अदालत में लेके जा रहा हूँ। आई एम अ क्लाइंट नाउ, इफ यू वांट मी टू विन यू विल फाइट फॉर मी। तो अब ये आपके प्रेस्टीज की बात आ गई है, मैं ये चाहूँगा आप अपने क्लाइंट को हारने ना दें। थैंक यू सो मच। You have invited me. I'm really thankful to you. Wish me luck. Thank you. Thank you, sir.